वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल। और आरवी, तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने वो कहानी सुनी है कि एक राजा था, वो हार जाता है, हारने के बाद में गुफा में जाता है और गुफा में उसको एक मकड़ी दिखती है, मतलब कि स्पाइडर दिखती है, वो बार बार चढ़ रही होती है दीवार पर, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। उसके बाद में फिर वो देखता है कि यार एक मकड़ी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, मैं तो एक राजा हूँ। तो उससे हिम्मत लेता है और फिर आता है तो अपनी लड़ाई लगता है, ठीक है। तो वो रियलिटी में वो स्टोरी जब भी मुझे याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब एक छोटे छोटे जीव जंतु जो है वो अपनी जिंदगी जीने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम तो फिर भी यार इंसान है, इस धरती के सबसे खतरनाक प्राणी, तो हम लोगों को क्यों कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो जब भी लाइफ में कोई दिक्कत आए तो कोशिश करो अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर आने की। जब भी लाइफ में आप लोगों को लगे कुछ फेलियर हुआ है तो कोशिश करो अपने आप से फिर से एक कोशिश कराने की। तो जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है, जो कहते हैं ना नसीब में नहीं है। तो नसीब तो आप लोग जरा सी देर में बदल सकते हो अपनी कोशिशों के बल पर। तो अपनी कोशिशों के ऊपर विश्वास करो तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। ओके, लेक्चर देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, उनको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पर आज जो थे ये 888 और 000, ये एक मैजिकल नंबर मुझे देखने को मिला तो मैंने इसको शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर। मतलब मैंने एकदम नोटिस किया, और नोटिस भी मैंने खुद ने नहीं किया, एक बच्चे का मेल आ रखा कि सर देखो मैजिकल नंबर, तो मैंने कहा वाह यार रियलिटी में मैजिकल नंबर है। तो थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ FSLV फैमिली। एक बिल्कुल एक काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और एक तरीके से बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए चलाया गया था। एक छोटी सी बात और शेयर करनी है, देखो ये होता है कि एक दूसरे की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मुहिम चलाई जा रही है कि 2020-21 में जिनके द्वारा UPSC का लास्ट अटैम्प्ट दिया जा रहा है तो उनको एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिल सके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा होगा, जैसे कि SSC के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम पर आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये UPSC वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो बेसिकली जिनके द्वारा काफी सारे COVID-19 के मरीजों की हेल्प की गई। तो यहाँ पर ये कि ये फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें काफी सारी डिटेल मांगी गई है, पर लेकिन यहाँ पर ये सारी सेफ रखी जाएगी, बेसिकली गवर्नमेंट को दिखाने के लिए है कि हाँ इतने लोग जो है वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपना डेटा जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा सिक्योर रखा जाएगा, सेफ रखा जाएगा। बेसिकली प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ इनको सेकेंड अटेम्प्ट मिलना चाहिए। तो एक लिंक मैंने शेयर किया था, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना है यार, देखो बेसिकली हम लोग तभी इन्हें किस डिसीजन पर हम लोग पहुंच पाएंगे। अभी यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है कि आप लोगों के पास में काफी अटेम्प्ट बचे हों, पर आगे चलकर आप लोगों को भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़े, अगर कुछ ऐसा मैं तो नहीं चाहूँ कभी जरूरत पड़े आप लोगों का जो भी अटेम्प्ट हो उसी में हो जाए, पर लेकिन हर एक इंसान के साथ में सिमिलर कंडीशन नहीं रहती है, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये एक सपोर्ट मांगा जा रहा है, तो एक मेरे पास भी मेल आया यहाँ पर कि उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ इसको सपोर्ट कर दो, ठीक है, तो जिससे कई सारे लोगों को फायदा हो जाए। तो ये मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में बात की जा सकती है, तो क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, सारे सेक्टर जितने भी है इकोनॉमी के सबको यहाँ पर फायदा पहुंचाया गया है, सबको कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज दिया गया है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी सारी चीज़ छोड़ छाड़ कर जो COVID-19 के मरीजों के लिए लगे हुए थे, खासकर जो डॉक्टर्स, वो उनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई है, तो आई होप कि आप लोग इसको फिल करोगे, तो यहाँ पर आप लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं, और बाकी दूसरों के साथ भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहीं पर ही सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं। ओके, आगे चलते हैं, डिस्कशन यार काफी प्यारा रहने वाला है, बाकी जो भी है तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखेगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। ओके, और वीडियो थोड़ी सी ये लेट हो गई है, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम था मुझे जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, बाकी कल से आप लोगों को टाइम पर मिलेगी, ज्यादा लेट नहीं, 10-15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम लेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक चीज करके देख लेते हैं, पहले क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पर्टिकुलर एक रिपोर्ट के बारे में जिसको बोलते हैं ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021। ये गर्ल्स राइट इन क्राइसिस, यानी कि जब कोई क्राइसिस होता है उसमें अगर गर्ल्स के राइट के बारे में बात करें तो उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, एक एनजीओ है, डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये फिर से यहां पर इसी रिपोर्ट के साथ में एक्स्ट्रा न्यूज देखने को मिलेगी जिसमें बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये 11 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, जो मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था इसकी थीम क्या थी ये आप लोगों को बताने। इसी के साथ में आप लोगों को पता है यहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया, ये 2021 में, ये एक पर्टिकुलर एक्ट को अमेंडमेंट करके हमारे देश में लाया गया, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिर से रिसेंटली अभी न्यूज में है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, तो इस नोटिफिकेशन के बेस पर यहां पर कुछ बातें बोली गई हैं। वो बातें क्या हैं बेसिकली डिस्कस करूंगा मैं काफी अच्छे से। जो बीएसएफ का एरिया है उसका बेसिकली जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने का जो काम रहता है बीएसएफ का, तो बॉर्डर एरिया को जो सिक्योर करने का काम है उसका जो दायरा था वो भी 50 मीटर तक बढ़ा दिया गया है, सॉरी 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें, तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर, इसको हम लोग समझेंगे चलिए, ठीक है। आंसर मैंने बता दी यहाँ पर बीएसएफ के लिए बेसिकली, ठीक है। एक है नेक्स्ट यहाँ पर कपिला, ये कपिला क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था, उनका नाम भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो उस पर्सनैलिटी जो है वो 2002 से लेके 2007 तक प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, तो कौन से नंबर के वो प्रेसिडेंट थे ये भी आप लोग को बताना है। तो डिफरेंट सा है थोड़ा क्वेश्चन, आप लोग कुछ भी नहीं बताया पर, लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनके बारे में सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है जिसको 6G बोलते हैं, आप लोग बोलोगे सर 5G तो मिला नहीं, 6G के बारे में बात कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, 5G भी मिल जाएगा आप लोगों, पर हाँ 6G जो है वो 2830 तक आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये बताना है कितने टाइम से फास्ट रहने वाला है, इसके बारे में भी बातें सामने निकल कर आ रही है। सी डॉट क्या है यहाँ पर, ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, खासकर इसके बारे में बात करें तो समझेंगे इसके बारे में भी, तो कई सारी प्यारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी काफी कुछ, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो के एंड में लास्ट डे का रिविजन भी कर रहे हैं, तो वो आप लोग छोड़कर बिल्कुल मत जाया करियो, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जाया करो, जाया करियो। कई बार ना लोकल जो लैंग्वेज होती है ना उसके टर्म्स जब निकल के आते हैं, एक बच्चा बोलता है सर ऐसे बोला करो, तो मैंने कहा यार बहुत सारे बच्चे अलग अलग राज्य के देखते हैं तो कई बार टर्म्स जो रहते हैं ना वो फिर कई सारे समझ नहीं पाते, ओके। तो इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा एक नॉर्मल रहना पड़ता है, अपनी लोकल लैंग्वेज को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। किसी अलग वीडियो में मैं सिखाऊंगा फिर लोकल लैंग्वेज आप लोगों को। आइए आगे चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको एनजीओ बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है उसी के तरीके से कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहती है कि जो कि नॉन गवर्नमेंट है पर लेकिन काम वही कर रही है वेलफेयर के सोसाइटी में, कुछ अच्छी चीजों को एक तरीके से सोसाइटी तक पहुंचाने का, तो इनको नॉर्मली एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल यानी कि गवर्नमेंट की नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो इसका नाम है सेव द चिल्ड्रन। तो सेव द चिल्ड्रन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021। इसमें गर्ल्स राइट इन क्राइसिस यानी कि जब किसी पेंडेमिक आ गया या कोई दिक्कत होगी तो उस टाइम पर गर्ल्स के राइट कैसे होने चाहिए, तो इनके द्वारा जब एनालिसिस किया गया वेस्ट अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज्यादा ऐसी लड़कियां देखने को मिली जिनकी चाइल्ड मैरिज की गई। देखिए चाइल्ड मैरिज करना एक तरीके से लड़की को फांसी की सजा देने वाली बात होती है, ठीक है। उसको ना तो उसके हक के बारे में पता है, ठीक है, ना उसको अपनी बॉडी के बारे में पता है। इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए कि एक तरीके से मैक्सिमम जो बच्चे हैं उस टाइम पर उनकी डेथ भी हो जाती है, जच्चा और बच्चा यानी कि बच्चे की भी डेथ हो गई और जो उसकी माँ थी उसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी एक तरीके से सुसाइडल टेंडेंसी है यहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी में जहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, इसलिए इनके ऊपर काफी ज्यादा रोक भी लगाया जाता है। और अभी बहुत सारे केसेस देखने को मिले कोविड-19 पर, बहुत सारे लोग ऐसे थे खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, वहां पर ये चीजें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है। लड़कियों को इस तरीके से रहा कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है शादी कर दो, हालांकि आज के डेट में ये हर जगह आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं कि गरीब तबके के अंदर ये चीजें होती हैं, पर आप फिर भी ऐसी कंडीशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये गलत है, ये खासकर वुमेन के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो ये काफी एक गलत टेंडेंसी सोसाइटी में देखने को मिलती है। और इट इज नॉट ओनली कि हमारी ही कंट्री में ये है, ये आप लोगों को ये वेस्ट अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका के अंदर लेकर चलता हूं, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां से आओगे तो ये आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और इसमें बात की जा रही है सेंट्रल अफ्रीका के बारे में, ठीक है, और इसी के साथ में वेस्ट अफ्रीका के बारे में। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर चाइल्ड मैरिज जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, ये बेसिकली रिपोर्ट बता रही है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, इसके द्वारा बोला गया कि जो चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, तो चाइल्ड एक तरीके से चाइल्ड मैरिज है उसकी वजह से यहां पर जो यहां पर 60 गर्ल्स एक डे ग्लोबली यहां पर जो है उनकी डेथ होती है, ठीक है, 26 गर्ल ओनली यहां पर सेंट्रल और जो यहां पर वेस्टर्न अफ्रीका इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने अभी मैप दिखाया। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 60 लड़कियां यहां पर उनकी डेथ हो रही है, 60 में से आधी यानी कि 1/2 ओनली अकेले इन दोनों रीजन में यहां पर उनकी डेथ होती है। तो ये काफी एक क्रिटिकल कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो इसके चलते हम लोग को इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। और यहां पर 6 गर्ल ए डे साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, हम रहते हैं यहां पर
बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला जो रीजन है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। साउथ एशिया जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है ईस्ट एशिया के द्वारा, और यहाँ पर पैसिफिक रीजन, लैटिन जो अमेरिका है, और कैरेबियन रीजन के द्वारा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके द्वारा इस मुद्दे के ऊपर एक एनालिसिस किया गया, तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। जो डेथ होती है वो मेजरली किसकी वजह से होती है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उनकी बॉडी इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, क्योंकि यार वो खुद बच्चियां हैं और उनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कितनी घटिया ये चीज देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहां पर ये इनकी डेथ हो जाती है, तो ये काफी ज्यादा केसेस निकल कर आते हैं। और जिन रीजन में देखने को मिलती है, वहां पर मेडिकल की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, खाना तो ढंग से मिल नहीं रहा है, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कौन बात करेगा, ये खासकर अफ्रीकन वाले रीजन में। तो इसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। स्कूल उनका छूट जाता है, हेल्थ की सर्विस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम ये जो उन्हें एक तरीके से आसपास वाले जो खासकर जो तबका था सोसाइटी में कि हाँ उन्हीं जहाँ एक प्रवृत्ति रहती है कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए, तो मैक्सिमम ये पॉवर्टी में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसको और ज्यादा गरीबी में धकेल देता है जब ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है। तो गर्ल्स और ज्यादा रिस्क फेस करती है, वायलेंस देखने को मिलते हैं कई बार, एक तरीके से यहाँ पर सेक्चुअली असोल्ट उनको किया जाता है, कई बार रेप देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो एक तरीके से उनके लिए। तो ये एक तरीके से बदतर जिंदगी हो जाती है, यानी कहते एक तरीके से ऐसी जिंदगी जीने का फायदा क्या जहां इतनी घटिया जिंदगी हो चुकी है। तो उससे निकालने का यहाँ पर एक तरीके से तब पता चलेगा जब उसके बारे में जनता के सामने चीजें निकल के आएगी, ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो इसके चलते रिपोर्ट जो है वो बात करती है, गवर्नमेंट जो है वो काफी कुछ कर सकती है, हेल्प करें गर्ल्स की जो वॉइस है उसको उठाने में, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। तो कहीं पर अगर ऐसा कोई केस हो रहा हो, कोई ऐसा कांड हो रहा होगा, तो आप भी उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कल को चलकर आप लोग किसी पोस्ट पर जाकर बैठते हैं, अच्छी पोस्ट पर, तो वहां पर आप लोगों के एरिया में कुछ होगा, तो आप लोगों के पास में ऑथोरिटी रहेगी कि आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं कि ऐसा होता है और उसको रोकना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, गारंटी देनी चाहिए यहाँ पर जो गर्ल्स है उनके राइट के बारे में, वो भी इंसान है, इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए पार्टिसिपेशन जो फीमेल स्टाफ है, ताकि जो फीमेल है उसकी बातें समझ सके, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ में ज्वाइन करना चाहिए जनरेशन इक्विटी मूवमेंट। आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी यहाँ पर अलग से फोकस किया गया इन चीजों के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया भी था। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाएंगे तो यहाँ पर जेंडर इक्विटी के बारे में बात करते हैं पांचवें गोल के अंदर, ठीक है। और रिड्यूस इनइक्विटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। यानी किसी भी तरीके से जो सोसाइटी में इनइक्विटी नहीं होनी चाहिए, इनके बारे में ऑलरेडी बात की जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा प्रस्तुत की गई यहाँ पर, ठीक है। एक डिस्कस मैंने डेज किया था आप लोगों से, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पर बात की थी कि 11 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, यूएन के द्वारा यहां पर इसको डिक्लेयर किया गया था 2012 में, और 11 अक्टूबर जो यहां पर इंटरनेशनल डे के रूप में फिर बोला गया, इसको अडॉप्ट किया गया ये 19 दिसंबर 2011 से, यानी कि अडॉप्ट किया गया यहां पर, और पहली बार 11 में अडॉप्ट किया गया और 12 में फर्स्ट टाइम इसको इंप्लीमेंट किया गया, ताकि जो गर्ल्स हैं उनकी जेंडर इक्विलिटी के लिए यहां पर आवाज उठाई जा सके और उनके लिए अपॉर्चुनिटी है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो खासकर अभी फिलहाल अगर बात करें, थीम भी रखी गई थी कि डिजिटल जनरेशन ओवर जनरेशन, ठीक है। तो इसको चलते इसको सपोर्ट करने की भी बात यहां पर की गई, ओके। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो कि अगर वुमेन एंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आए तो आप लोग इनको मेंशन जरूर कीजिएगा। कुछ और प्यारी बातें यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर जो इफेक्ट होता है कोविड-19 का चाइल्ड मैरिज के ऊपर, वो काफी ज्यादा देखने को मिला। स्कूल वगैरह वो तो सब छूटे गए। यहाँ पर 10 मिलियन के करीब गर्ल हैं आज के डेट में, वो एक्सपेक्ट कर रही है 2030 तक की उनकी शादी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये सारी चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। तो इसके चलते अपने देश में भी यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर काफी सारे केसेस निकल कर आए चाइल्ड मैरिज के। तो अपने देश में भी ये चीज देखने को मिली, इंक्रीज हो गए चाइल्ड मैरिज के केस लॉकडाउन पे, मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो यूनिसेफ जो है वो इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ईच ईयर 1.5 मिलियन जो गर्ल है अंडर 18 उनकी शादी होती है इंडिया के अंदर। 1.5 मिलियन का मतलब अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसमें 10 आप लोग अगर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 15 लाख लड़कियां, ये देखा कितना बड़ा संख्या है यहाँ पर, ठीक है। 15 लाख लड़कियां जो हैं हर साल इंडिया के अंदर 18 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये दिक्कत आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत यहां पर निकल कर आएगी तो काफी ज्यादा नंबर में देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर खासकर। और इसी के चलते 16% जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो एज रहती है 15 से 19 के बीच में करंटली अगर बात करें तो उनकी आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहां पर जब मैरिज हो जाती है 18 से पहले तो इसकी वजह से 47 से 27% हालांकि डिक्रीज हुई है अगर बात करें 2005 से लेकर 2015-16 तक। पहले यहां पर अभी फिलहाल 47 था, अब 27% तक हो गई है, यानी कि काम तो हो रहा है पर लेकिन अभी उस लेवल पर नहीं है कि हम लोग चीजों को काफी अच्छे लेवल पर सुधार सके। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने डिटेल में इसलिए डिस्कस किया कि वुमेन एंपावरमेंट के बारे में कोई ऐसे भी लिखने के लिए आप लोगों को आ जाता है ना, तो अब आप लोग वहां पर इसको मेंशन कर पाएंगे कि हां ये चीजें हैं, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो सजेशन ये रहता है कि हेल्प करनी चाहिए वॉइस उठाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी पे फोकस देकर चलना चाहिए, इनके राइट्स के बारे में बातें करनी चाहिए, ठीक है। और ज्वाइंट मूवमेंट भी चलाए जा सकते हैं लड़कियों के लिए, खासकर अगर कहीं पर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कई सारी बातें थी यहां पर, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी पूरे टॉपिक को देखकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर एक और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, यहां पर जो नेक्स्ट है यहां पर बात की जा रही है, अभी एक फाइंडिंग निकल गया है जिसका टाइटल है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन एडोलेसेंट, जो एडोलेसेंट होती है यानी कि 15 से लेके जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को 18 साल तक के जो 20 की एज देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसमें तो सेक्सुअल और इसी के साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की जाती है, खासकर ये बेसिकली जो बात की जाती है ये एडोलेसेंट यानी कि जो लड़कियां रहती है यंग जनरेशन की, उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक तरीके से काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है 10 से लेके 19 साल का, तो डिफरेंट स्टेजेस यहां पर निकल कर आती है, यही नॉर्मली जो एज मानी जाती है। कई बार देखिए लड़कियों को पता भी नहीं होता है कि ये एक ऐसी एज होती है जहां पर पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बारे में कोई बातें भी नहीं करता है, तो बातें नहीं करता है तो उनको भी पता नहीं चलता है। इवन लड़कों के अंदर भी कई सारे चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी के अंदर, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, टीचर्स की, पेरेंट्स की, कि बच्चों को ये चीजें बताई जाए कि ऐसा ऐसा कुछ बॉडी में चेंज होगा, तो उसको देखकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, यहां पर कई सारे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो टोटल जो एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है यहां पर राजस्थान के अंदर, बोला गया कि 15 मिलियन और 23% टोटल जो पॉपुलेशन है उसका ये है, और 53% यहां पर इसमें से मेल है और 47% यहां पर फीमेल है। तो चाइल्ड मैरिज और एडोलेसेंट जो प्रेगनेंसी है ये कॉन्टिन्यूसली काफी बड़ा कंसर्न है राजस्थान के अंदर भी। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम पर यहां पर शादी कर दी जाती है, इवन आप लोगों को पता होगा अपनी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी भी बचपन में बोला गया था कि मैरिज उनकी हो गई थी। तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कितनी लार्ज स्केल पर प्रिवेल देखने को मिलती है। तो राजस्थान जो है यहां पर 1/3 जो गर्ल्स है 35.4% है करीब, वो यहां पर बिफोर 18 की एज से ही पहले मैरिज हो जाती है, और 6.3% जो है जो 15 से लेकर 19 के बीच में यहां पर ऑलरेडी मदर बन चुकी होती है। तो समझिए जिनका बॉडी उस लेवल पर डेवलप नहीं हुई है। तो इसके ऊपर अलग अलग से यहां पर आप लोगों को ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे सोसाइटी के अंदर जो कि काफी गलत है, और 27% ये नेशनल का एवरेज अभी देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इंपैक्ट ऑन द जो मदर एंड इन्फेंट दोनों पर देखने को मिलता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है, रिस्क रहता है न्यू बॉर्न को भी, और इसी के साथ में करियर चॉइस तो खत्म हो जाती है, बचपन में शादी कर दी बचपन में इंसान की तो उसके बाद में तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये यहां पर पर्टिकुलर राजस्थान के बारे में, तो अगर राजस्थान से स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी अगर कुछ आ जाए एग्जाम में तो पूरा टॉपिक एक जगह इकट्ठा हो गया आप लोगों का। नेशनल कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि बात करें यहां पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यहां पर चलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में पोषण अभियान चला गया, पीएम पोषण स्कीम अभी लाएगी। अच्छा, पोषण मंथ हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को पता है कौन सा पोषण मंथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा महीना है वो बताइए जरा, आप लोगों को पता होना चाहिए। संविधान के अंदर भी कई सारे प्रोविजन है, इवन बच्चों को लेकर बात की जाती है यहां पर कि हां रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट्स की और पेरेंट्स की, किस तरीके से हम लोगों को बच्चों को डेवलप करना है। एजुकेशन के बारे में अगर बात कर लेते हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोविजन संविधान के अंदर भी मेंशन है, तो ये भी आप लोग वहां पर लिख सकते हैं अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट 2021 एक्ट लाया गया हमारी कंट्री में, ये चेंज करके लाया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है 1971, यानी कि 1971 में एक एक्ट आया था 1971 में, उसको चेंज करके 1921 का एक एक्ट लाया गया, और उसमें कई सारी बातें यहां पर डाली गई कि क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिलती है। पहले ऐसा था कि ओनली अप्लाइज होता था कि मैरिड वुमेन ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, पर लेकिन अगर कोई अनमैरिड वुमेन है तो उसको कोई दूसरा एक रास्ता अख्तियार करना पड़ता था, ऐसा अख्तियार जिसकी वजह से कई बार उनकी हेल्थ में भी दिक्कत होती थी और इवन उनकी डेथ भी कई बार होती थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो यहां पर अभी फिलहाल क्या किया गया, पहले मैरिड के लिए था, अब यहां पर अनमैरिड भी अलाउ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक फंडा आया भाई हमारे देश में आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलेगा जो काफी प्रिवेल हो रहा है, उसको बोलते हैं बेसिकली लिविंग रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। तो कोर्ट के द्वारा भी उसको बोल दिया गया कि ये पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस है, अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसको अलाउ करना चाहिए। तो अब कोर्ट ने बोल दिया लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो अलाउ करना चाहिए, तो शादी तो वहां पर हुई नहीं है, तो उस टाइम पर अगर प्रेगनेंसी कोई कंटेन कर पाता है तो उस टाइम पर भी उसके लिए यहां पर टर्मिनेशन का ये यहां पर बात लाई गई है। तो पहले के कंपेयर में ज्यादा लिबरल अभी एक्ट बना दिया गया। पहली बार पहले 20 वीक तक का आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे, वो भी मैरिड पर्सन ओनली, ठीक है। अब यहां पर इसको 24 वीक कर दिया गया, और बियॉन्ड 24 भी अगर जाना है तो यहां पर अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी है बच्चे के अंदर तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके चलते अभी यहां पर पहले क्या था, अभी अगर यहां पर कोई इस पर्टिकुलर एक्ट को ब्रीच करता है
तो यहां पर पहले 1000 तक का फाइन था, ठीक है। अब फाइन अब यहां पर 1 ईयर तक की सजा भी है अगर यहां पर कोई इसको ब्रीच करता है, ठीक है। तो इसी के साथ में मेडिकल टर्मिनेशन पहले अगर बात करें, यहां पर टिल 12 वीक, फिर दो था यहां पर 20 वीक, अब यहां पर इसको बढ़ाकर 20 से 24 वीक तक भी कर दिया, तो अब यहां पर थोड़ा सा लिबरल इसको बना दिया गया, ठीक है। तो अभी यहां पर कुछ और इसके अंदर चेंजेस अभी आप लोगों को देखने को मिले, पहले 20 से 24 वीक अभी यहां पर इसको इंक्रीज किया गया। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, कि यहां पर फॉर द सर्टेन कैटेगरी, ठीक है, तो 7 स्पेसिफिक कैटेगरी यहां पर मेंशन की गई है। एक तो यहां पर सेक्सुअल असोल्ट अगर किसी का होता है, किसी को रेप होता है, मान लीजिए किसी का भी यहां पर रेप किया गया, कोई पर्सन है उसका रेप किया गया और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो यहां पर उसको उस बेबी को रखना नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि उनको प्यार उनका था बेसिकली उसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ है, वो एक जबरदस्ती वाला बच्चा है, तो यहां पर कोई मतलब नहीं बनता है, उसकी खुद की बॉडी है, उसको रखना है नहीं रखना है उसको डिसाइड करना चाहिए, नॉर्मली तो रखना ही नहीं चाहिए अगर इस तरीके की चीजें यहां पर, ठीक है। कोई माइनर गर्ल है अगर उसका एक तरीके से उसके साथ में कोई दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। चेंज ऑफ द मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर किसी को लगता है जब उस टाइम पर उसकी प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पर वो मैरिड एक सिचुएशन में थे, यानी कि शादी उनकी हो रखी थी, पर लेकिन पता चला प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो 9 महीने का टाइम होता है उनका डाइवोर्स हो गया, तो उस टाइम पर उनको लग रहा है कि अब इस बच्चे को रखने का कोई मतलब नहीं है, मां बाप दोनों अलग अलग हो चुके हैं, बच्चे की जिंदगी खराब होगी, तो उस टाइम पर भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनको जो भी यहां पर लेना है, फिर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, विडो हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो उस टाइम पर उनको डिसीजन लेने का बेसिकली जो वुमेन को चांस दिया गया कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजन बिकॉज इट्स योर बॉडी, ठीक है। तो अपनी बॉडी का राइट आपका खुद का है, आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चे को रखना है नहीं रखना है। नेक्स्ट बात की जा रही है वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है तो वहां पर भी इंप्लीमेंट होता है। मेंटली अगर कोई इल वुमेन है, ठीक है, तो वहां पर भी ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और कई बार रेप होते हैं यहां पर मेंटली इल जो वुमेन होती है उनके, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो तब दिक्कत देखने को मिलती है। कोई मेल फॉर्मेशन हो गया, जो बच्चा पेट के अंदर बल रहा है, तो जो फाइटल है उसके अंदर कोई मेल फॉर्मेशन यानी कि गलत कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, सीरियस फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है अगर बच्चा पैदा हो, तो यहां पर इसको अलाउ किया गया है, ठीक है। वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन एक तरीके से अगर बात करें सेटिंग डिजास्टर और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वहां पर भी अगर वो चाहती है, पता चला मतलब कि एक तरीके से बच्चा पैदा होना है और उस वुमेन का अर्थक्वेक में पता चला पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया है, ठीक है, सारी चीजें जो है उसकी खत्म हो गई है, उसके पास में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, तो उस टाइम पर बच्चे को कैसे बेसिकली वो सर्वाइव कर पाएगी, तो उस टाइम कैसे चाहिए कर पाएगी, अगर उसको डिसीजन लेना है तो सी कैन टेक, वो हर अपने डिसीजन वो ले सकती है, उस टाइम पर भी उसको अलाउ किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग पूछेंगे तो बड़े ही प्यारे बेसिकली यहां पर ये डिसीजन लिए गए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, इससे रहेगी वुमेन को और ज्यादा हक मिलेगा अपने डिसीजन खुद से लेने का, कोई सप्रेस नहीं करेगा उसको कि हाँ ऐसा एक्ट है तो मैं ऐसा नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगा ये। और जब भी आप लोग हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें याद रखेगा आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है यहां पर, ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्थ के बारे में कभी भी आएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है। और फिर यहां पर इक्विलिटी के बारे में बात की जा रही है इसको लेकर, तो वो भी आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं। तो दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूज किए गए, तीसरा हेल्थ के बारे में और चौथा इक्विलिटी के बारे में, तो ये सस्टेनेबल गोल भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं अगर कहीं पर ऐसी बातें निकल कर आती है, और कुछ लिखने के लिए आता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की साइड से निकल कर आ रही है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। यहां पर इनका जो सर्च और अरेस्ट एरिया है वो 50 किलोमीटर यहां पर कर दिया गया है, आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब के अंदर में, ठीक है। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, पंजाब के अंदर ये 50 जो किलोमीटर का किया गया, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे फेडरल जो राइट है, यानी कि संघवाद के ढांचे के जो बेसिकली ये जो हमारे हक हैं, उनको ये कहीं ना कहीं एक तरीके से टर्मिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नॉर्मली जो लगभग 15 किलोमीटर हुआ करता था, अब इसको 50 किलोमीटर कर दिया गया, तो इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत देखने को मिलेगी, हमारे और एरिया में आप लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन जो रिप्लेस करेगा 2014 का बीएसएफ एक्ट 1968 का, उसके अंदर यहां पर चेंज लाया जा रहा है। यहां पर अगर कवर किया जाता था स्टेट यहां पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, तो आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है। स्पेशली अगर मेंशन किया जाए दो न्यूली क्रिएटेड जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यहां तो आप लोगों को चीज देखने को मिलती है, तो जहां जहां पर वॉयलेंस देखने को मिलता है, ठीक है, स्मगलिंग या नारकोटिक वाले केस निकल कर आते हैं, इलीगल एंट्री फॉरनर की हो सकती है वहां पर, ठीक है, कोई पनिसेबल ऑफेंस अगर यहां पर एक्ट के तहत, तो उनके एरिया में यहां पर इसको अलाउ किया गया कि बीएसएफ के पास में ज्यादा पावर यहां पर दे दी गई है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से अगर सस्पेक्ट कोई उनको यहां पर लगता है स्पेसिफिक एरिया में, तो बीएसएफ क्या क्या कर सकती है वहां पर, एक तरीके से प्रिलिमिनरी क्वेश्चन की इंक्वायरी भी वहां पर कर सकती है, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा यहां पर लोकल पुलिस को विद इन 24 आवर। तो बीएसएफ के पास में पावर नहीं है कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा जो क्राइम उसने किया है, वो प्रोसिक्यूशन के लिए लोकल गवर्नमेंट को ही उसको सौंपा जाएगा, पर हाँ यह है कि बीएसएफ के हाथ में पावर आ गई है कि वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला सकती है, ठीक है।
पर लेकिन क्वेश्चन बार बार यहाँ पर ये उठता है। देखिए नॉर्मली अगर आप लोग बात करें, ये माना जाता है कि यहाँ पर स्टेट का है लॉ एंड ऑर्डर वाला सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर उसके चलते कई बार बातें होती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर वाला जो है स्टेट का सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पर क्यों है। पर लेकिन डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं अगर, ठीक है, तो ये आप लोगों को यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर दोनों एक साथ में मिक्स हो गए हैं तो उसके बेस पर बोला गया कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो सेवन शेड्यूल के अंदर अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर हो गया स्टेट लिस्ट में और सिक्योरिटी वाला रीजन और डिफेंस वाला हो गया बेसिकली सेंटर की लिस्ट में। अब ये ऐसा एरिया हो गया जहां पर दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो अब यहां पर मिलकर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली बातें, और खासकर उन एरिया में जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है, याद है ना, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ठीक है, तो इसके हिसाब से लगता है, तो उन एरिया के बारे में बातें की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं यार जिनके बारे में क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो माइंड में आप लोग क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर जरूर पूछूंगा, हमारी कंट्री का अगर आप लोग एरिया देख रहे हैं टोटल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो हमारी कंट्री के साथ में अगर बात करें, अगर मैं बीच में जाकर थोड़ा पूछूं तो तीसरे सबसे ज्यादा हमारी कंट्री का बॉर्डर किस कंट्री के साथ में टच करता है, पहला आप लोगों को पता है बांग्लादेश के साथ में, सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ में, तो तीसरा बताना आप लोगों को सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ में टच करता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बॉर्डर में लिख लेना, ये बेसिकली बोला इसलिए जा रहा है ताकि आप लोग याद रख सको, ठीक है, क्योंकि आप लोग याद रखोगे लंबे समय तक, एक बार लिख कर देख लेते हो ना चीजों को तो याद रख पाते हो फिर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर, जो यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो 90th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई। ये ऐसे इंसान थे यार, इनको ना कम से कम 100 साल जीना चाहिए था, ठीक है। मेरा मन था जिंदगी में एक बार इनसे मिलूं, पर हाँ चलो ये भी अच्छा है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम सर के एरा में पैदा हुए हम लोग, ठीक है। देखो कितनी सही एक तरीके से, मतलब सही है यार, मतलब इंसान जिंदगी ना ये होती है जिंदगी जीने वाली, रियलिटी में यार अंदर से इंस्पिरेशन आती है इनको देखकर मुझे, अंदर से होने कहते कि क्या कहते हैं उसको, जीवन की गहराई से कि ये वाली जिंदगी कोई इनको ये नहीं बोलता है कि मतलब किसी भी तरीके से किसी भी सोसाइटी का किसी भी तबके का किसी भी रिलीजन का किसी भी कास्ट का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, इनका नाम सुनते उसके मतलब दिल से रेस्पेक्ट निकल के आती है, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन को बोलने कि हाँ ये हिंदू है ये मुस्लिम है उसको ये कर दिया वो कर दिया, पर लेकिन ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी, यानी कि ये रियलिटी में एक इंसानियत की कैटेगरी में आ गए सारे रिलीजन कास्ट को पीछे छोड़ के, तो रियलिटी में यार अप्रिशिएट करने लायक बात है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जो आप लोगों को कंपेन देखने को मिलेगा, लॉन्च किया गया था 2020 में, ठीक है, तो ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसके चलते इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर आप लोगों को पता है, यहाँ पर बेसिकली जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाती है नेशनल इनोवेशन डे एंड वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में, तो दो डे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये 11th प्रेसिडेंट रहे अपनी कंट्री के, ठीक है, और सबसे प्यारे प्रेसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं जिनको बोला गया सबसे ज्यादा जनता के चहेते प्रेसिडेंट। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिला 2007 में स्टार्ट हुआ था और सॉरी 2002 में स्टार्ट हुआ और 7 तक यहाँ पर चला, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग किस चीज के लिए जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या चीज है जिसके लिए आप लोग जाने जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे मेरी डेथ के बाद में जब मैं इस धरती पे से जाऊं, जो कि हर एक इंसान को जाना एक दिन, तो किस चीज के लिए आप लोग जाना चाहते हैं कि मुझे इस चीज के लिए जाना जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और इसको अपने माइंड में क्लियर करो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है सोचो इसके ऊपर बैठकर। ये हमेशा जिससे भी मिलते थे उससे यही बातें पूछा करते थे, ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी तो मैंने कहा कि मैं भी पूछता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग बताइए चलिए, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी जिंदगी में आप लोग करना क्या चाहते हैं, ओके। अगर बात करें यहाँ पर तो ये काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। एक तरीके से बात करें फाइबर ग्लास के फील्ड में, फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, SLV देखो आप लोग यहाँ पर, अपनी SLV फैमिली आ गई, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर बेसिकली विजन हो गया 2020, ठीक है। इसी के साथ में पूरा ये काफी प्यारा कॉन्सेप्ट लगा था मुझे इनका, इनके द्वारा बात कहती कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, यानी कि जैसा हम आज की डेट में शहरों में प्रोवाइड कराते हैं, क्यों ना ऐसा ही हम लोग गाँव में प्रोवाइड करा दें, तो इससे क्या होगा, फायदा इससे होगा कि हम लोगों से गाँव में से जो शहरों में माइग्रेशन हो रहा है लोगों का वो नहीं होगा, वहीं पर उनको स्कूल, वहीं पर कॉलेज, वहीं पर एजुकेशन, वहीं पर हेल्थ की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दें, तो शहरों के ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है ना वो कम हो जाएगा, तो अपने गांव वाले क्लस्टर को डेवलप करना है। और सेम बात जो थे वो गांधी जी बोला करते थे कि गांव में इतना डेवलपमेंट कर दो कि लोग वहां पर बाहर ही ना जाए निकल कर, कि उनको ऐसा नहीं कि सिटी में जाकर चीजें मिलेगी, वो वाली बात है, ठीक है। और इसी के चलते इनको पद्म भूषण मिला, इनको पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, ठीक है, तो मतलब इंडिया के जो हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न एक तरीके से इनको मिला हुआ है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखना हमारी कंट्री का ये हाईएस्ट अवार्ड है जिसके बारे में अभी UPSC के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया। टोटल कितने भारत रत्न मिले आज तक ये बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ किस किस को याद है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
छोटी छोटी बातें हैं यार, पर लेकिन थोड़ी सी पता रहेंगे तो आप लोग इनके बारे में याद रख पाएंगे। अच्छा, आप लोगों को इनकी किताबें पढ़नी हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, काफी प्यारी बुक है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये लिखी गई, ठीक है। माई जर्नी इग्नाइट, मैंने इनकी मतलब कई सारी किताबें पढ़ी हैं, मतलब बड़े ही अच्छे से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी एक इनके साथ में आप लोग कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बात की जाती है यहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, ये काफी प्यारी लगी थी मुझे, ठीक है। अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, कई बार आप लोगों को पढ़ते पढ़ते लगा टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा बातें होने लगती है, ठीक है, आप लोगों को लगेगा, पर उस चीज को आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो स्किप कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ो, उसका जिस्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो कई सारी ऐसी किताबें इनकी जो कि समझ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी, जब लास्ट टाइम ये सांस ले रहे थे ना अपनी, तो वो भी इनकी जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत पल आप लोग बोल सकते हैं कि बच्चों के बीच में थी, अपने स्पीच देते देते वहां पर बेसिकली मेघालय के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग के अंदर ये बेसिकली अपनी जो पोजीशन थी वहां पर ये गिरे, और उसके बाद में ये बेसिकली इनकी वो आखिरी सांसें थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अपना फेवरेट काम करते करते इंसान जो है वो इस धरती पर से गया है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन जो हुई थी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट जिंदगी जीकर गए, लगभग 48 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंडिया और अब्रॉड से इनके पास में डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री थी इनके पास में, ठीक है। तो इस तरीके की जिंदगी को बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जिंदगी जीनी चाहिए इंसान को। तो रियलिटी में यार एक सोच के भी अंदर से इंस्पिरेशन आती है। ये आगे चलते हैं, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, और मैंने आप लोगों से बात की थी 6G के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो यहाँ पर टेलीमेटिक्स के द्वारा, जिसको सीडेक बोलते हैं, ठीक है, थीके? तो इसके बारे में याद रखिएगा फुल फॉर्म। तो 6G के ऊपर काम करने की बात की जा रही है, फ्यूचरिस्टिक चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। देखिए, एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर 2G आए, 3G आए, तो दुनिया में इंप्लीमेंट हो चुके हैं, हम लोग उनको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अभी कई सारे एरिया में आज की डेट में 2G 3G लोग जो है यूज करते हुए पाए जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग को सुधारना है, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जब 5G है, हम लोग इस लेवल पर आ गए कि दुनिया के साथ में 5G हमारे देश में आ रहा है, अब 6G जो है वो और अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो 6G है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन जो यहाँ पर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, तो बोला जा रहा है कि 50 टाइम फास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा 5G के कंपेयर में। तो अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल स्पीड आप लोगों को मिलने वाली है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक दशक बाद लगभग अगर देखा जाए, 21 में बैठे हैं, तो 2030 तक का चीजें जो है वो लॉन्च की जाएगी। तो 6th जनरेशन जो यहाँ पर वायरलेस ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन, ये 5G को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भविष्य जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, चीजें और ज्यादा प्रोडक्टिव देखने को मिलेगी, अगर थोड़ा सा इंसान सुधर जाए ना, थोड़ा सा एनवायरमेंट को साथ में लेकर चले, अपनी हरकतों को जो आज के में गलत गलत हरकतें कर रहे हैं उनको छोड़ दे, थोड़ा एक इंसानियत के हिसाब से काम करें, तो आने वाले टाइम में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। बोला जा रहा है हायर फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो 5G नेटवर्क को प्रोवाइड कर रहा है सब्सटेंशियली हायर कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते डिले काफी कम होगा, तुरंत चीजें आप लोगों को एक तरीके से टिप ऑफ द फिंगर आप लोगों को सारी चीजें नजर आएगी। और बात करें वन ऑफ द गोल जो है 6G इंटरनेट का, ठीक है, सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पर एक तरीके से माइक्रोसेकंड लेटेंसी जो कम्युनिकेशन, यानी कि डिले जो है वो माइक्रोसेकंड में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि डिले आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, सारी चीजें आप लोगों को एकदम तुरंत आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो इसके चलते काफी अच्छे लेवल पर हम लोग बात की जा रही है, टेट्राहर्ट्ज़ बैंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एक हाई बैंड हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर इंफ्रारेड वेव है, माइक्रोवेव जो है, देखिए इनसे दूसरी भी चीजें होंगी, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, जिसमें चिड़ियाओं के बारे में बातें बताई जाती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, तो उसकी वजह से दिक्कतें भी निकल के आनी है, पर लेकिन हम लोग को कैसे चीजों को एक बैलेंस बनाकर चलना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर स्पेक्ट्रम यहाँ पर निकल कर आएगा, काफी लार्ज स्केल पर लोकल एरिया में हम लोग कनेक्टिविटी कर पाएंगे, पर लेकिन इंपैक्ट क्या है वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, ज्यादा फैसिलिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, एडवांस वायरलेस, और इसी के साथ में आप लोगों को टेक्नोलॉजी काफी अच्छे लेवल पर सेंसिंग टेक्नोलॉजी से बात करें, इमरजेंसी ऑफ डिजिटल यहाँ पर कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में बात करें, ऑप्टिमाइजेशन मास पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि हर जगह आप लोग इसको यूज कर सकते हो। कई जगह हम लोग बात करें एक सिंगल कार्ड लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंटली कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, ड्राइवरलेस कार आ रही है, ड्रोन वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें और ज्यादा इफेक्टिव वे में हम लोग यूज करते हुए इनको नजर आएंगे। पर चैलेंज भी कई सारे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जाएगी मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना जो भी यहाँ पर मैकेनिज्म रहेगी, क्योंकि आप लोगों को चैलेंज भी देखने को मिलेंगे, जो हैकर हैं ये सारी चीजें वो काफी दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। अडेप्शन ऑफ द न्यू मॉडल कैसे लेकर चल रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर क्या उस लेवल पर हम लोग डिवाइस को बेसिकली बना पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन फॉर द करियर वेव वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नई अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नए चैलेंज भी लेकर आती है, तो उन चैलेंज के साथ में हम लोग कैसे डील कर पाते हैं, तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि कितने अच्छे से हम लोग उसको प्रोडक्टिवली इंप्लीमेंट यहां पर बेसिकली यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा आप लोग, जिसको क्यूबिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबिट्स जो होता है उसको क्वांटम बिट्स बोलते हैं। नॉर्मली आप लोग देखें ऑप्टिकल फाइबर अगर कम्युनिकेशन आप लोग यूज करें तो वहां पर लाइट को यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, ट्रांसमिट करते हैं यहां पर बेसिकली, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो याद रखेंगे यहां पर, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो याद रखेंगे यहां पर बेसिकली आई जो यहां पर ITR यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल जो टोटल रिफ्लेक्शन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR आप लोग बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये वाला प्रिंसिपल यहां पर यूज किया जाता है, जो कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर आप लोगों से। ठीक है, तो यहां इसके बारे में याद रखिएगा, कई सारी चीजें होती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, अगर ये चीजें आप लोगों के माइंड में रहेगी तो आप लोग अच्छे से एग्जाम में इसका आंसर बेसिकली दे पाओगे। ओके, और हमारी कंट्री में जो भी डिजिटल इंडिया को लेकर जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो CDOT के बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में जो इंप्लीमेंट किया गया था ये 1984 में बेसिकली ये बनाया गया था, और हमारी कंट्री में ये टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बेसिकली सेंटर है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वैसे काम करता है ये, पर लेकिन जो रजिस्टर है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 का, उसके अंदर आप लोगों को ये बेसिकली ये रजिस्टर आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो भी आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है ना डिजिटल इंडिया वाला बेसिकली देश में प्रोजेक्ट हो गया, या फिर भारत नेट वाला कि गांव को भी यहां पर इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना है, स्मार्ट सिटीज कैसे होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करता है तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर CDOT जो है ये काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को काफी इंपोर्टेंट यहां पर चीज नजर आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है आने वाले टाइम में, और भी बहुत सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो सही डायरेक्शन में हम लोग उस तरीके से काम भी कर पा रहे हैं, तो वही रहता है एक तरीके से, जो जो चीजें हैं उसके साथ में कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था टोटल आज की कुछ बातें, जो आई होप कि आप लोगों ने कई सारी चीजें यहां पर देखी, तो एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं और क्या क्या डिस्कस करना है बेसिकली वो मैंने आप लोगों को बताया था, इसी के साथ में जो रिवीजन वाला पार्ट जरूर देखना जो कल का हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली इसके बारे में, जो कि यहां पर बात कर रहा था इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया, पूरा एक लॉन्ग न्यूज हो गया यहां पर ये, और एक इंपॉर्टेंट डे भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया। ठीक है, तो यहां पर दो टॉपिक आप लोगों के कवर हो गए, एक डे भी हो गया और यहां पर ये कंप्लीट न्यूज भी होगी। इसी के साथ में एक और न्यूज हम लोगों ने राजस्थान से रिलेटेड बेसिकली डिस्कस की, अगर लोकल एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में मैंने कंपेयर किया 2021 का भी और 1971 का कंपेयर करके भी आप लोगों को बताया, और नेक्स्ट क्या क्या एडिशन किया गया वो भी बता दिया, तो अब लिखने के लिए भी अगर कुछ आ जाएगा ना तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बता दिया मैंने कहां कहां पर क्या क्या चीजें, BSF के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने देखी काफी डिटेल में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है, और APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने यहां पर जाना। ठीक है, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आई ये थी बेसिकली 6G के बारे में, जो कि मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो रिसेंटली नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है NGOs के बारे में बात की जा रही है, इसका नाम आप लोगों को बताना था, जो कि गर्ल्स राइट, इन सब चीजों के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था, थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स हेल्थ इसके बारे में आप लोगों को बताना था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल कौन सा है यहां पर, जो एक्ट कौन सा है जिसको रिप्लेस किया गया था लास्ट उसके बारे में बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो यहां पर किसको इसके द्वारा 50 किलोमीटर का एरिया अभी इसके अंदर डाल दिया गया है, ठीक है, कुछ राज्य में पर्टिकुलर KAPILA कपिला क्या है ये आप लोगों को बताना है, कौन से प्रेसिडेंट थे यहां पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में आप लोगों को बताना है, जो कि यहां पर कितने किन से नंबर के थे यहां पर 2002 से लेकर 2017 तक रहे। ठीक है, बाकी कितना टाइम हायर है यहां पर 6G ये बताना है, CDOT के बारे में आप लोग बताइए, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे, ठीक है, इनके आंसर दीजिएगा। बाकी लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, लास्ट का मतलब है कि हम लोगों ने 17 तारीख में क्या डिस्कस किया, सॉरी 16 तारीख में क्या डिस्कस किया, क्यों, क्योंकि 17 में आप लोगों की रिवीजन की वीडियो आती है तो डिफरेंट रहती है, ठीक है, उसमें क्विज वगैरह नहीं होता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के बारे में बात की थी, तो इसकी थीम क्या थी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था ISPA, तो ये क्या था इसके बारे में आप लोगों को बताना है, नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके साथ मिलकर अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च की गई थी ये बताना था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की थी, किसके द्वारा बोला गया कि यूनिक है ये, उसको एक्स्ट्रा फीचर दिए गए, EPR क्या था इसके बारे में आप लोगों को बताना था। ठीक है, कंपनी जो है उसको बोला गया टारगेट की खुद के द्वारा कलेक्ट करे जो भी प्लास्टिक सोसाइटी में देखने को मिलती है, कब तक का टारगेट दिया गया 100% का ये बताना है। हम लोगों ने यहां पर बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पर सिलिकोसिस के बारे में, तो ये कौन से एक्ट के तहत इनको डिक्लेयर किया था बीमारी, और ये पोर्टल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं कर ताकि कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न देखने को मिले। सबसे पहले यहां पर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है ये 16th ऑफ अक्टूबर को आप लोगों को देखने को मिलता है, और एनेस्थीसिया
एंड द एनेस्थीसिया एंड हैविंग ए बेबी। तो ये आप लोगों को थीम देखने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन, तो इसके बारे में याद रखिएगा। सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहां पर स्पेस के फील्ड में काम करने वाली है। नीति आयोग के द्वारा सीबीएसई के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था, और 6 से लेकर 12 क्लास तक की बच्चों के लिए साइंस जो है उनके मन में एक धारणा है, जगह साइंस को लेकर आगे चलना है, उसके ऊपर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बेसिकली यहां पर एक यूनिक पोजीशन में दिया कि सुमोटो एक्सेल ये ले सकता है, इसको लगे अगर इन्वायरमेंट्स के किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। इसमें बोला गया कि 35% 2021-22 तक, 70% 2022-23 तक, और 100% 2024 तक का आप लोगों का टारगेट होना चाहिए पॉलिस्थीन को आप लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है। सिलिकोसिस के बारे में अगर बात करें तो ये माइनिंग एक्ट है 1952 और फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, इसके तहत यहां पर इसको डिजीज यानी कि बीमारी नोटिफाई किया गया। इसी के साथ में सिलिकोसिस पोर्टल के बारे में बात की थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड जस्टिस, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये क्विज सुनने के बाद में आप लोगों को ये लगता है कि यार कल लेक्चर सुनता फिर भी याद नहीं है, तो चीजों को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, एक बार फिर लेक्चर में को आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट पेस पर आप लोग सुन सकते हैं, पर लेकिन चीजें रिवाइज जरूर करते रहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएगी जब एग्जाम में जाकर आप लोग बैठोगे, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया और लग रहा है कि इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, यहां पर ये सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसी के साथ में पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और हमेशा अपने आपको खुश रखने की कोशिश कीजिए, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मोज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग खुश रखना है। फीडबैक देकर जुड़ जाएगा कि 10 में से कितने मार्क्स आप लोग यहां पर इस लेक्चर को दोगे, और लाइक और डिसलाइक कर भी आप लोग फीडबैक को दे सकते हो, 1 सेकंड लगेगी आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।